अब तक आपने देखा। पापा मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपनी पहली बिजनेस मीटिंग में जा रहा हूँ। ये 10,000 रुपए सिर्फ कल तक का मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ। इन पैसों को कल तक कितना ज्यादा बढ़ा सकते हो ये मैं देखना चाहता हूँ। आप फिक्र मत करिए ताऊ जी, मैं खुद अपने सर की कसम खा के कहता हूँ कि अपने बिजनेस के लिए घर का एक पैसा यूज नहीं करूंगा। जो करूंगा अपने दम पे करूंगा। तुम्हारा कुछ सामान और शादी का जोड़ा पड़ा था, उठाओ और ले जाओ इसे। तुम्हारे लिए क्या तुम्हारे सामान के लिए मेरे कमरे में कोई जगह नहीं है। अब आगे की सोच बदलने आई थी, लेकिन अब तो उससे दूर जा रही हो। क्या विभोर से दूर रहकर अपने मकसद को पूरा कर पाओगी? रीति, तुमसे कल से बात करना चाह रही थी लेकिन मौका नहीं मिला। ये क्या है? मेरा शादी का जोड़ा, सिंदूर और गहने विभोर ने इसे भी ले जाने के लिए कह दिया। तुम दोनों के चौपन में आते वो ही करे जा रहे हो, लेकिन मारी एक बात ध्यान में रखना, जब रिश्तों की दीवार में दरार पड़ती है तो दीमक उसका फायदा उठाकर उसके बीच में अपना घर बना लेती है और रिश्ते की दीवार को और कमजोर कर देती है। ऐसा मत होने देना। जब तुम दुल्हन बनके इस घर में आई थी तो मारे को तुम पे बहुत गुस्सा आता था, हर चीज में तुम्हारी गलती नजर आती थी, लेकिन धीरे धीरे तुमने मारे दिल में अपनी जगह बना ली, खास तौर से तब जब हार वाली मुसीबत से तुमने मारे को बचाया। तब मारे को लगा कि मारे को तुमसे अच्छी बहू नहीं मिल सकती, लेकिन फिर तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी, अपना घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर मनपरी के घर चली गई। जानती हो इस वजह से परिवार वालों को कितना दुख पहुंचा है, खास तौर से विभोर को कितना दिल दुखाया तुमने उसका। तुम मारे पास आके मारे से बात कर सकती थी। मैं विभोर के पापा को समझाती, उनका गुस्सा ठंडा करती, लेकिन तुम एक भी बार मारे पास नहीं आई। बस अपना सामान उठाया और जल्दी मनभरी के घर। एक प्याता का पूरा अधिकार होता है उसके घर पर, उसके कमरे पर। अगर विभोर ने गुस्से में आकर तुम्हारा सामान बाहर फेंक दिया तो तुम्हें उसे समेट कर वापस कमरे में डालना चाहिए था। फिर वो बाहर फेंकता, फिर तुम
तुम समेट कर वापस कमरे में डालती, कितनी देर तक वो फेंकता बोलो। लेकिन नहीं, तुमने भी अपना सामान उठाया और चल गई मन भरी के घर। अब मैं विभोर को समझाऊंगी तो क्या कह के, इससे ज्यादा मैं तुम दोनों के बीच में नहीं पड़ सकती। मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहती थी कि 2 दिन के लिए मैं अपने मामा जी के घर जा रही हूं। उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, कुछ दिन से सोच रही थी, लेकिन घर में इतना कुछ चल रहा था इसलिए हिम्मत नहीं हुई। लेकिन उनको हमारी जरूरत है, जाना पड़ेगा। उम्मीद करती हूं कि जब मैं वापस आऊं तो सब कुछ पहले जैसा हो। जल्दी पैसे कमाने हैं, लेकिन इन सब आइडियाज में कोई आइडिया पसंद ही नहीं आ रहा। विभोर, माँ आइए। क्या हुआ, कुछ कहना चाहती है? तुम दोनों जो कुछ भी कर रहे हो बहुत गलत है। माँ प्लीज, जो हो गया मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ठीक है, नहीं बात करूंगी, लेकिन कम से कम तुम्हारे से इतना तो वादा कर सकता है ना कि जब तक मैं मामा जी के घर में हूं, पीछे से घर में कोई कलेश नहीं होगा। वो मेरे कमरे में तो है नहीं, उसका सामान भी नहीं है, तो नहीं होगा कलेश। विभोर, अपने और रीति के रिश्ते को थोड़ा वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ इस वक्त तू बहुत गुस्से में है, लेकिन सर आप शांत दिमाग से सोच कि तू जो कर रहा है क्या वो सही है। विभोर, रीति बुरी लड़की नहीं है, वो दिल की बहुत साफ है। भूल गया कैसे उसने मारा हार बचाकर इस घर में मारी इज्जत रख ली? उस लालची सुनार को मारे हार का ज्यादा पैसा देके उसने मारा मान रख लिया, भूल गया क्या? उस लालची सुनार ने तभी हमारी आंखें खोल दी और ये एहसास दिला दिया कि रीति को रिश्तों की इज्जत करनी आती है। तू समझ रहा है मैं क्या कह रही हूं? बताइए क्या दिखाऊं? अगर मुझे चांदी का नेक पीस चाहिए 10,000 तक की रेंज का। ओके, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा। वैसे अंकल आपके दो दो बिजनेस है ना, मतलब ये ज्वेलरी शॉप के अलावा पैसे की लेन देन का साइड बिजनेस? बेटा, दो वक्त की रोटी कमाने के लिए सब करना पड़ता है। वो तो है, कुछ और यूनिक दिखाइए अंकल, ये तो बहुत ऑर्डिनरी है। ओके, इसको यहां कर देते हैं। ये देखिए, आप इसमें से पसंद कर लीजिए। नाइस, ये अच्छा है। ये कितने का है? आपके लिए 10,000 का। दे दीजिए।
बिल बुक। ये पहले आप पैसे पकड़ लीजिए। पैसे गिन लो। अच्छा नाम बताइए। विभोर। भाई आपके जैसे कस्टमर बहुत कम आते हैं जो बिना मोल भाव किए सामान खरीदते हैं। हमारे यहाँ कई तरह की स्कीम चलती रहती है, कोई अच्छी स्कीम आई तो मैं आपको फोन करूंगा, आप फोन नंबर जरूर देके जाइए। तो फिर नोट करिए। थैंक यू। 9734। थैंक यू। ये आपका बिल, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप फोन कर दीजिएगा। पीयूष। प्लान इज सक्सेसफुल, अब तू वैसा ही करना जैसा मैं कहता हूं। अंकल एक अच्छा सा नेकपीस दिखाइए प्लीज। जी ये देखिए, ये देखिए। और नहीं नहीं ये सब नहीं, कुछ कुछ स्पेशल दिखाइए ना। ये देखिए। नहीं अंकल ये अच्छा, कुछ ऐसा जो कहीं और ना मिले, एकदम यूनिक। अब जो मेरे पास तैयार था वो तो मैंने आपको दिखा दिया। हाँ मेरे पास कुछ सैंपल हैं, अगर पसंद आ जाए तो। ये लीजिएगा, ये है, ये ये ये। एक मिनट अंकल, ये हाँ हाँ यही वाला है। ठीक है आप ऑर्डर दे दो, मैं बनवा देता हूँ। इसमें कितने दिन लग जाएंगे? भाई 8-10 दिन तो लग जाएंगे। अंकल एक्चुअली मुझे 1-2 दिन में ही चाहिए था, अर्जेंट है। 1-2 दिन में तो नहीं हो सकता। देखिए मैं आपको इसके लिए 15,000 तक दे सकता हूँ। 15,000? जी। क्या यार उस ज्वेलर का फोन नहीं आ रहा? रिलैक्स उसका फोन जरूर आएगा, 5,000 रुपए कमाने का मौका वो कभी नहीं छोड़ेगा। आ गया। हेलो। देखो जो लॉकेट आप मुझसे लेके गए थे वो मुझे लौटा दो 11,000 में। क्या जो लॉकेट मैंने आपसे 10,000 में लिया था वो 11,000 में आपको वापस कर दूं? नहीं अंकल सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है अगर 11 नहीं तो 12,000 देता हूँ, मना मत करना, 2,000 रुपए का मुनाफा होगा। ठीक है अंकल, अब आप इतना कह रहे हो तो मैं आपको 12,000 में वापस कर दूंगा। थैंक्स बेटा। इट्स ओके अंकल, थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, बाय। देखा मैंने तुझे कहा था ना, तेरे पापा को मुनाफा तो कमा के ही दूंगा। चल मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ, सेलिब्रेट करते हैं। दैट्स इट बिफोर, तुझे इसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। गुड जॉब। बस अब तुम्हें ऐसे ही लगातार स्मार्ट आइडिया सोचने होंगे, कुछ अलग जो कभी किसी ने ना सोचा। वैसे तो अंकल मैं खुद बिजनेस फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो आइडियाज बहुत है मेरे पास, बस अपॉर्चुनिटी की तलाश है। नो प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटीज मैं तुम्हें दूंगा विभव, क्योंकि पैसे वही कमाते हैं जिन्हें पैसे कमाने की जबरदस्त चाहत हो। एंड दैट आई कैन सी इन यू, मार्क माय वर्ड, तुम चलोगे नहीं दौड़ोगे विभव। थैंक यू अंकल। अरे ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो इतनी सारी मिठाई मंगवा ली? सबर करो ना, रूम में जाके बताती हूँ। अरे यार कोई सबर नहीं हो रहा, तुम मुझे बताओ क्या बात है? आज विभोर भैया ने कसम खाई है कि अपने बिजनेस के लिए घर से 1 रुपया भी नहीं लेंगे। इसमें कौन सी खुश होने की बात है?
लाओ मिठाई, मैं वापस देके आता हूँ। सुनो तो, सोने की चमक देखते देखते तुम्हें और कुछ भी नहीं दिखता है, जैसे पके हुए पेड़ से फल अपने आप टप से नीचे गिर जाता है ना, वैसे ही विभोर भैया ने दो दो चीजें खुद हमारे सामने परोस दी हैं। एक तो वो शॉप पे नहीं बैठेंगे और दूसरा अपने बिजनेस के लिए घर से एक रुपया भी नहीं लेंगे, तो हुई ना खुशखबरी वाली बात। अरे हाँ खुशखबरी हुई है, वो यही तो चाहता है कि सारा काम हम करें, दिन रात मेहनत हम करें और सारी मलाई वो लेके चले आए। अरे पापा मैं और जुगल भैया। धीरे बोलो ना, कोई सुन लेगा। क्यों धीरे बोलूं, कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? पापा मैं और जुगल भैया, हमारे परिवार में से हम तीन लोग शॉप पे जाते हैं और उनके परिवार से खाली घनश्याम चाचा जी आते हैं और दोनों परिवारों का प्रॉफिट परसेंटेज है 50-50। इसका मतलब है पापा और चाचा जी के बाद मेरा और जुगल भैया का प्रॉफिट परसेंटेज हुआ 50%, मतलब मेरा 25% और 25% जुगल भैया का, और कुछ नहीं करते हुए पूरा 50% विभोर ले जाएगा, और इसके जिम्मेदार सिर्फ दादा और दादी जी हैं। वो पापा को कभी सीरियसली लेते ही नहीं है, कुछ भी नहीं समझते, और इसका फायदा पूरी तरीके से विभोर और चाचा जी ले रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तुम एक काम करो, दादाजी से बात करो कि अगर विभोर भैया अपना अलग बिजनेस शुरू करते हैं तो ये शॉप तुम्हारे और जुगल भैया दोनों के नाम लिख दे, इससे तुम दोनों का प्रॉफिट भी 50-50 हो जाएगा। तुम्हें जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, दादाजी ऐसा होने नहीं देंगे। अरे पर हाँ मुखर्जी सर, हाँ हाँ आपका रिंग रेडी है ना? हाँ वो शॉप बंद हो गई थी और आपको भी बाहर जाना था, इसलिए मैं रिंग अपने साथ घर पे ले आया, आप कभी भी आकर ले जाइए। ओके ओके, अच्छा सुनो ये सब बातें बाद में करेंगे, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, इसके बीच में अपने कस्टमर है मुखर्जी सर, अगर वो आते तो उनको ये अंगूठी दे देना, ठीक है? अरे मेघा जल्दी आओ, रीति बहू आओ खाना खाने। मासी मौसा जी और आंचल कहाँ है? आज आंचल की फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, पापा छोड़ने गए उसे। वो नहीं आया ना? ये विभोर भी ना दोपहर को खाना भी नहीं खाया और अभी तक घर भी नहीं लौटा है, वैसे जीजी भी नहीं है, रात को खाना खाएगा या नहीं पता भी नहीं है, ऐसे ही सो जाएगा ये लड़का। क्या हुआ रीति बहू, तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं मासी, खाना तो बहुत अच्छा है। फिर क्या हुआ? मासी खाने में लापरवाही ठीक नहीं होता है ना। मैं क्या करूं, दीजी भी नहीं है, मैं किससे क्या कहूं, ये लड़का ये कोई बात मानता भी नहीं आजकल तो। मैं विभोर का खाना निकाल के उसके कमरे में रख दूंगी, पहले जब रात भर पढ़ाई करता था तो मैं ऐसे ही करती थी। देर रात में जब भूख लगेगी तब वो खाना खा लेगा, जी। हाँ काजल बहू। आप रहने दीजिए मैं डोर खोल देती हूँ, वो निकुंज ने कहा था ना कि शॉप से कोई कस्टमर आएंगे रिंग लेने, तो शायद वही आए होंगे। ठीक है। विभोर अभी तक आया नहीं है, जब आएगा तो उसे खाना दे देना, मैं सोने जा रही हूँ। जी अच्छा। जी नमस्ते। We'll be right back.
काजल बिटिया तुम्हें एखाने हमारा मतलब इस घर में आप तुम्हारा शादी इस घर में हुआ क्या वो बस एस काजल सब ठीक तो है ना जी सब कुछ ठीक है अंकल मैं आपसे बाद में फोन पे बात करती हूँ ये रही आपकी रिंग नमस्ते एक तो सुनो सुनो तो ये कोच्चे की बाल बाल बच गए नहीं तो आज मेरा राज सबके सामने आ जाता काजल इससे पहले कि तेरी असलियत तेरे ससुराल वालों के सामने आ जाए और वो तुझे धक्के मार के घर से निकाल दे तुझे इस घर की मालकिन बनना होगा नहीं तो इस घर का 50% तो क्या 50 पैसे भी नहीं मिलेंगे अब समय आ गया है उसे बुलाने का जो साम दाम दंड भेद कैसे भी करके मुझे इस घर की मालकिन बनाए ऐसी शक्तिशाली जिसे इस घर से निकालने की हिम्मत किसी भी घर वाले में ना हो